ओम फ्रॉम कानपुर, ओम गुड इवनिंग, बताइए आप क्या कहना चाहोगे। गुड गुड इवनिंग निखाल सर, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ओम। मेरी फेवरेट टीम है चैंपियंस लीग और आईपीएल में मुंबई इंडियंस ही रही है पिछले 6 साल से, तो मैं उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानता हूँ। और मैं पहले मैच देखने के बाद मैं समझ गया हूँ कि जैसे कि हमेशा होता है कि मुंबई कुछ गलतियां एक ऐसे मैच में कर, मैं मानना है कि जो मैच हारे वो अच्छा हुआ कि हारे, क्योंकि इसमें सारी गलतियां उन्होंने एक ही साथ कर दी। फील्डिंग तो उनकी अच्छी नहीं हुई, बैटिंग तो उनकी अच्छी नहीं हुई और बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई। और अब जो आखिरी 2 मैच बचे हैं तो उसमें वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमने पिछले 6 साल में कई बार ऐसा देखा है कि वो ऐसी टीम है जो लगातार मैच जीत सकती है लाइन से और विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू भी कर सकती है। और सचिन तेंदुलकर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि भले उन्होंने 15 रन बनाए पहले मैच में, पर जो उन्होंने 3 बाउंड्रीज मारी उनसे पता चलता है कि अब वो फॉर्म में, बस वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे अभी भी। और मुझे लगता है में थोड़े चेंजेस आने चाहिए, रोहित को नंबर 3 पे आना चाहिए अगर ओपनिंग बैटिंग फेल हो। और मेरा मानना है कि उनके अंतर हीरो अंबाती रायडू को पहले भेजना चाहिए। और साथ ही बॉलिंग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अबुम नशीम को जरूर लेना चाहिए, जो 2011 में वो मलिंगा के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे चैंपियंस लीग में, जो किसी को याद भी नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आप एक स्पिनर हरभजन को खिलाए और साथ में 3 मेन फास्ट बॉलर खिलाए, मलिंगा की जगह आप होल्डर 9 खिलाए जो कि पर्थ फॉर्चेस के लिए बिग बैच में भी अच्छी बैटिंग भी करते थे। और इसलिए मेरा मानना है कि 6-5 के कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए जीतने के लिए। राइट राइट, आप तो एनसाइक्लोपीडिया हो क्रिकेट के, हो आप तो सब फॉलो करते हो, चैंपियंस लीग, T20 से, IPL से, टेस्ट मैच से। वेरी नाइस ओम, जस्ट वंडरफुल लिसनिंग टू यू। हमें एक शॉर्ट ब्रेक में जाना पड़ेगा अभी, लेकिन ओम एंड प्रदीप थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंपनी। मिलन विल कम बैक टू यू ऑन द अदर साइड, लॉट्स मोर ऑन द इंडियन टीम्स।